अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, ये वीडियो एक ऐसे व्यक्ति पे आधारित है जिससे मेरी बात हुई थी और उसने अपने बारे में बताया था कि कुछ इस प्रकार की घटनाएं जो भी हम आपको बताएंगे उसके जीवन में घट रही थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप में से, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत सारे व्यवधान आते रहते हैं जीवन में। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं भी घटती रहती हैं जो अलग ही होती हैं, उनके साथ में घट रहा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अज्ञानता, बस हम उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी हम अपने साथ में हो रही घटनाओं को ठीक कराने की कोशिश करते हैं, जैसे हम इलाज कराने की कोशिश करते हैं किसी डॉक्टर वगैरह से, लेकिन अगर वो कुछ निगेटिव एनर्जी से संबंधित होता है, नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित होता है, तो वो इलाज से भी ठीक नहीं होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई बीमारी नहीं निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें फिर आपको वो डॉक्टर बता देंगे कि आपको ये है वो है जो ठीक नहीं होगा, या वक्त के साथ में ठीक होगा, या आपको लगातार ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, या आपको ऐसा करना पड़ेगा, या कुछ और करना पड़ेगा, ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, आप उसमें परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा क्या था उसके जीवन में कि कुछ उसके जीवन में जो बहुत सारी घटनाएं थी, घटना शुरू हो गई थी। क्या होता था कि जब भी वो पूजा करने बैठता था, जो व्यक्ति था, जब भी वो पूजा करने के लिए जाता था, उसे गंदे विचार आना शुरू हो जाते थे, बहुत गंदे विचार आना शुरू हो जाते थे। भगवान को देखता था तो भगवान में गंदगी दिखना शुरू हो जाती थी। गंदगी दिखाई देने का अर्थ होता है जैसे लेटरिन दिखना शुरू हो जाए, टॉयलेट दिखना शुरू हो जाए, या अर्धनग्न तरह के विचार आपके मन में आने शुरू हो जाए, नग्न विचार आना शुरू हो जाए, संभोग वाले दृश्य दिखना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से उसके जीवन में घटित होने लगा था जब भी पूजा करने बैठे। ऐसा नहीं है कि एक बार पूजा किया और हो गया, जब भी वो पूजा करने के लिए बैठता था तो उसके साथ में यही घटनाएं होती थी। अब आप खुद सोचिए कि अगर उसके जीवन में इस प्रकार से घट रहा तो वो पूजा कैसे कर सकता है, वो जप कैसे कर सकता है। अब वो ना पूजा कर पा रहा है ना जप कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो नकारात्मक शक्ति होती है वो अपना प्रभाव बढ़ाते ही जाती है, क्योंकि जब आप सकारात्मक शक्तियों को पूज ही नहीं पा रहे हैं, उनका आवाहन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपकी रक्षा कैसे करेंगे। और इससे पहले आपने कोई बहुत बड़ी तपस्या या जप किया भी नहीं होता है कि जिसका प्रभाव से कोई इस प्रकार की शक्ति आपके आसपास ना आ पाए। ज़्यादातर व्यक्ति साधारण पूजा करते हैं, धूप दीप जला दिया, भगवान को भोग अर्पित कर दिया और हाथ जोड़ लिया कि भगवान ऐसा करना वैसा करना, ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे ही करते हैं। बहुत से कम व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो जप करते हैं, थोड़ा समय देते हैं, ध्यान करते हैं भगवान का। तो उस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से घटित हो रहा था। तो मेरे से बात हुई तो मुझे पता चला कि हाँ, ऐसा ऐसा जब भी हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होने लगता है, बताइए हम कैसे जप करें, बताइए हम कैसे पूजा करें। और वो व्यक्ति इतना सात्विक था, सोचिए, वो मसाला खाना शुरू कर दिया। बोला कि पता नहीं मुझे क्या लगता है कि मसाला खाओ मसाला खाओ, वो हमेशा मसाला खाना शुरू कर दिया। मतलब जबकि कभी उसने कुछ कभी नहीं खाया था, कभी नॉन ड्रिंक वगैरह भी नहीं की थी, कभी नॉन वेज भी नहीं खाया था, लेकिन मसाला खाना शुरू कर दिया। बाद में मैंने उससे ये कहा कि हमने कहा ये नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो सकता है और इसके लिए आप सिद्ध कुंज का स्रोत का जप करिए, और कम से कम 5 बार सिद्ध कुंज का स्रोत आप सुबह शाम पढ़ा करिए। ऐसे मैंने उसको बताया था। अब समस्या ये आ रही थी कि वो कर ही नहीं पा रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था कि नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन मेरे पास से मैसेज आया कि तू बीच में मत पड़, नहीं तो मारा जाएगा। इस प्रकार से मैसेज आया, उसी से मुझे मैसेज आया जिससे मेरी बात हो रही थी। तो मैं सोचा ये ऐसे क्यों मैसेज कर रहा है। अब मैं भी कोई बहुत बड़ा तांत्रिक या मेरे अंदर इतनी कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को मैं बैठे बैठे यहाँ से ख़त्म कर दूँ या मेरे प्रभाव से वो शक्ति नष्ट हो जाए, क्योंकि आप जैसा ही व्यक्ति मैं भी हूँ। तो इस प्रकार से जब मैसेज आया था उसके बाद मेरे जीवन में भी थोड़ी सी हलचल हुई, क्योंकि जब कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव डालती है तो इफेक्ट
उसका पड़ता ही पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। लेकिन ये है कि उस इम्पैक्ट का जो प्रभाव होता है बहुत कम हो जाता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कोई शक्ति आपके लिए कुछ गलत कर रही है, कुछ काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे और जीवन में थोड़ी सी परेशानी सी होना शुरू हो जाएगी, तो आप समझ लेना कि कुछ प्रभाव हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बताई थी। बाद में फिर क्या हुआ कि उसने किसी एक ऐसे व्यक्ति भगत वगैरह को दिखाया होगा कि जो ये बता सकता है कि हाँ कि आपके जीवन में ऐसा है और आपके साथ में ये है, आपके ऊपर किसी ने ऐसा कराया। तो बाद में पता चला कि उसके ऊपर किसी मुसलमान तंत्र का प्रयोग किया गया था और किसी तांत्रिक ने उसका प्रयोग किया था और किसी ने दुश्मनी वश उसके ऊपर इस प्रकार से करा दिया था कि जिससे ये बर्बाद हो जाए और इसकी मृत्यु हो जाए, इस प्रकार से उसके ऊपर कराया गया था। बाद में फिर उसने ठीक कराया अपने आप को, तो ठीक हो गया। जब ठीक हुआ तो उसकी सारी आदतें छूट गई, गलत सारी गलत आदतें छूट गईं, वो सही हो गया, जीवन में सब कुछ करने लगा, मसाला खाना छोड़ दिया, पूजा पाठ फिर से शुरू कर दी। तो अब बात यह आती है, समस्या जो थी वो तो थी, बात यह आती है कि ये सब चीज़ें हो क्यों जाती। ये सब चीज़ें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम सकारात्मक शक्ति को एक्टिव नहीं करते हैं, एक्टिवेट नहीं करते हैं। अब वो एक्टिवेट होती कैसे है? जब आप जप करते हैं, कोई भी मंत्र ले लीजिए, किसी भी देवी देवता का मंत्र ले लीजिए, जब आप जप करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक अग्नि पैदा होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास होने लगता है जिसकी वजह से आपका ऑरा मजबूत होने लगता है। कोई भी निगेटिव एनर्जी इतने जल्दी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगी, जब अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है तो छोटी मोटी नज़र तो आपको लगेगी ही नहीं। तो हमेशा जप करते रहिए, पूजा पाठ से जुड़े रहिए, पूजा पाठ में बैठिए, ध्यान करिए, थोड़ा समय दीजिए, शक्तियों से जुड़ने का प्रयास करिए। जब आप इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आएंगी नहीं। जब इस तरह की कोई समस्या आती है आपके जीवन में तो हम उस चीज़ को समझ गए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो हम फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते रह जाते हैं और बीमारी कभी ठीक नहीं होती, बीमारी कभी निकलती नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव एनर्जी के शिकार होंगे। ये कोई भ्रम वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आप भ्रमित हो जाएँ, आप अंधविश्वास में फंस जाएँ, अंधविश्वास ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं तभी इन सब चीज़ों पर आप विश्वास करिए। अंधविश्वास ऐसा कुछ भी नहीं है, जब इन बातों के लक्षण आपको दिखना शुरू हो जाएं तो इलाज तो आप जो बीमारी का करा रहे हैं वो कराते रहिए, लेकिन एक बार इस विषय में भी थोड़ा सा सोच के देखिएगा, हो सकता है कि आपकी बीमारी, आपकी परेशानी इस चीज़ से भी ठीक हो जाए। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप में से कोई भी अपनी बात बता सकता है, मैं उसको वीडियो के माध्यम से लोगों को बताने का अवश्य प्रयास करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।